नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, मेरी बेटी को कमज़ोर समझने की भूल की है, उसकी कीमत तो आप लोगों को चुकानी ही पड़ेगी। दीदी दीदी बारात आ गई है, वंदिता ने आकर बताया। और पता है, सालू और अर्पिता बोल रही हैं कि तेरे जीजू तो कितने हैंडसम हैं। सुनकर दुल्हन बनी नंदिनी के गाल और सुर्ख हो गए। तभी उनकी बड़ी बहन गीतिका ने आवाज़ दी, बंधु ऊपर क्या कर रही है, यहाँ आकर देख न, इलू रो रही है। इतना सुनकर वो अपनी दी की बेटी इलू को चुप कराने चली गई। सभी लोग बारात के स्वागत में व्यस्त थे, फिर जयमाला हुई। शादी में आए लोग जहाँ नंदिनी और नीरज की जोड़ी की बलाएं ले रहे थे, वहीं नीरज की भाभी रूपा की सुंदरता की भी तारीफ कर रहे थे, जो हर रस्मों में अपने देवर के आसपास ही थी। नीरज के भैया नवल की तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण वो शादी में नहीं आ पाए थे। पर रूपा अपने पति को छोड़ देवर की शादी की जिम्मेदारी निभा रही थी। उसका अपने देवर के प्रति झुकाव सहज ही समझ आ रहा था। सभी उन्हें लक्ष्मण और सीता की उपमा दे रहे थे। सारी रस्में पूरी होकर विदाई की घड़ी आई। रायपुर के संपन्न व्यापारी की बेटी सारे सुखों में पली नंदिनी के विवाह में माता पिता ने कोई कमी नहीं रखी थी। तीन बहनों में मझली नंदिनी देखने में सबसे सुंदर और गुणवंती थी। विवाह योग्य होने पर कई जगह बात चली, पर संपन्न पिता संतुष्ट नहीं हो पाए। अंततः वाराणसी के धनाढ्य परिवार में उनको अपनी बेटी का सुखद भविष्य के आसार दिखे। नीरज आकर्षक थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। औपचारिक देखना दिखाना करके रिश्ता तय कर दिया गया। सबने कहा भी कि इतनी दूर शादी क्यों कर रहे हैं, परंतु सबको समझा दिया गया कि संजोग वहीं का था और 15 दिनों के कम समय में ही विवाह संपन्न भी हो गया। परिवार और रिश्तेदारों ने व्याकुल मन से अपनी लाडली बेटी को विदा किया। मन में ढेर सारे सपने और उमंगे लिए नंदिनी अपने साजन के घर के लिए निकल पड़ी। मैरिज हॉल से 20 मिनट का रास्ता तय कर एक बड़ी हवेली के सामने कार जाकर रुकी, जहाँ सास ने गृह प्रवेश करवाया। अन्य रस्मों के बाद वह सब रिश्तेदारों से घिरे थे और नीरज रिलैक्स होने चले गए। थोड़ी देर बाद रूपा उसे आराम करने के लिए एक कमरे में ले गई और शाम को मुंह दिखाई के लिए तैयार रहने का बोलकर चली गई। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसने सुबह के बाद से नीरज को देखना तो दूर उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी थी। उसे माँ, पापा, गीतू दी, बंधु और इलू की याद आ रही थी। थकान के कारण उसकी आंख लग गई। शाम को फंक्शन की तैयारियों का शोर था। नीरज की कज़िन ने जब उसको तैयार किया तो आईने में खुद को देख शर्मा गई। कॉलोनी की सब महिलाएं आ चुकी थी, सब उसकी सास से उसकी सुंदरता की तारीफें कर रही थी। पर उसकी आंखें तो नीरज को ही ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वो रूपा से नीरज के बारे में जानना चाहती थी, पर वो भी उसे शाम से नहीं मिली। समय बीता, सब मेहमान और रिश्तेदार विदा होने लगे और वह घड़ी आई जब नंदिनी अपने फूलों से सजी सुहाग से इस पर अपने प्रियतम का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ा डर, थोड़ा संकोच और बहुत सारे सपनों के साथ वो नीरज के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। समय भी कहाँ मिला, रात गहरी हो रही थी पर इंतज़ार खत्म ही नहीं हो रहा था। बेचैन मन से वो आज पूरे दिन के बारे में सोचने लगी। पूरा दिन किसी ने ज़्यादा बात नहीं की, शायद सभी इतने सारे मेहमानों का ध्यान रखने में व्यस्त थे। रात के 1 बज गए, अब उसे अनजानी सी घबराहट होने लगी। तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो उठकर धीमे से दरवाजे के पास आई और संकोचवश बाहर नहीं गई। पर कोई आहट नहीं मिलने पर उसने धीरे से दरवाज़ा खोल कर देखा तो सब जगह अंधेरा था। नीचे हाल और गलियारे में छोटी लाइट जल रही थी, शायद सब सो गए थे। पर नीरज, आप कहाँ हो, यह सोचते हुए वो अपने कमरे में जाने के लिए पलटी तो उसे रूपा के खिलखिलाने की आवाज़ आई और उसके साथ ही जो उसने सुना उसके बाद कदम अपने आप आवाज़ की दिशा में चले गए। दरवाजे के पास पहुँचने पर उसे रूपा की बातें सुनाई दी। जाओ जाओ, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन तुम्हारी राह देख रही होगी। मेरी दुल्हन तो तुम ही हो रूपा, तुम्हें पता है ना ये शादी मेरी मजबूरी है। जैसे ही नीरज के ये शब्द कानों में पड़े, नंदिनी के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। वो गिरने वाली थी, तभी उसने खिड़की का सहारा लिया तो उसे महसूस हुआ खिड़की खुली थी।
खुद को संभालते हुए उसने धीरे से झांका तो रूपा गाउन पहने हुए पलंग पर बैठी थी और नीरज उसकी गोदी में सिर रखे उसके बालों से खेल रहा था। और देखते ही देखते नीरज ने रूपा को अपनी ओर खींच लिया। रिश्तों को नापाक होते देखने की अब नंदिनी में और शक्ति नहीं बची थी। वो वहीं नीचे बैठ गई। उसका मन हुआ वो जोर जोर से चीखे, नीरज से पूछे कि क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की तुमने, मेरा कसूर क्या था, क्यों क्यों क्यों। उसे माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। मन हुआ अभी ही कॉल करके उनको नीरज का घिनौना सच बता दे, पर उसने खुद को रोक लिया। वो अंदर तक आहत हुई थी, उसे ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। आंसू से भीगे चेहरे और टूटे हुए दिल के साथ उसने एक फैसला लिया और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कमरे की ओर चली गई। सुबह होने को थी पर बीती हुई रात नंदिनी के जीवन में न खत्म होने वाला अंधेरा छोड़ गई थी। आज उसके चचेरे भाई और जीजा जी 15 दिनों के लिए लिवाने आने वाले थे। बोझिल मन से वो नहाकर तैयार हुई। उसने एक हल्की साड़ी पहनी, सिंगार उसे चुभ रहा था। मांग में सिंदूर भरते समय उसका दिल रो रहा था कि आखिर नीरज ने उसके साथ यूं ऐसा क्यों किया। उसने निश्चय किया था कि वो इस झूठे रिश्ते को नहीं निभाएगी, इस धोखे और अपमान को नहीं सहेगी। उसने अपना सामान रोते रोते पैक किया। अपनी बड़ी बहन को कॉल करके सारी बात कहने की हिम्मत जुटा ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और रूपा चाय लिए कमरे में आई और बोली, कैसी रही रात देवरानी जी। नंदिनी से अब सहा नहीं गया। उसने मोबाइल साइड में रखा और रूपा से कहा, जिसका पति उसकी भाभी के साथ रात गुजार रहा हो उसकी रात कैसी हो सकती है। रूपा को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि नंदिनी को एक रात में ही सब पता चल जाएगा। ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो, खुद को मासूम बनाते हुए रूपा ने कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा, न होता तो शायद मैं भी कभी नहीं मानती कि रिश्तों का इतना गंदा रूप भी हो सकता है। आप तो एक औरत के नाम पर कलंक हो, आप अपने पति से बेवफाई कर रही हो। नंदिनी ने जब ऐसा कहा तो रूपा बेशर्मी से बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा पति मेरे लायक नहीं है, उसको देखकर कोई प्यार कर भी नहीं सकता। न सूरत है और न ही नीरज की तरह स्मार्ट है वो। नीरज और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुमसे शादी तो मजबूरी में की है, उसे पैसों की ज़रूरत थी। और अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं जो हमारे रिश्ते को साबित कर सके। घमंड से ऐसा बोलकर वो चली गई। उसके जाने के बाद नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे और मोबाइल उठाकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी। जी हाँ, अब उसके पास उनके गंदे रिश्ते का सबूत था। अब उसे इंतज़ार था अपने भैया और जीजा जी का। वो अपने कमरे में रुआंसी बैठी थी तभी उसे दो छोटे छोटे हाथ अपनी आँखों पर महसूस हुए और मीठी सी आवाज़ आई, बताओ मौसी कौन है। इलू की आवाज़ सुनकर इतनी तकलीफ में भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने इलू को प्यार से गोदी में उठा लिया। इलू से ही उसे पता चला कि जीजा जी और भैया के साथ गीतिका दी भी आई हैं। यह जानकर उसकी हिम्मत बढ़ी। नंदिनी ने इलू को गोद में उठाया और बाहर आ गई जहां सब बैठे थे। रूपा बेशर्मी से सबके साथ मेल जोला और राव भगत का नाटक कर रही थी। नंदिनी को हैरानी हुई कि कुछ लोग किस हद तक दोहरा चरित्र निभा सकते हैं। नीरज और उसके भाई किसी काम से बाहर गए थे, सास ससुर वहीं बैठे थे और सब बात कर रहे थे। जैसे ही गीतिका की नज़र नंदिनी पर पड़ी वो उठी और नंदिनी के गले लगा लिया। कुछ मिनट बाद दोनों बहनें अलग हुई। गीतिका ने भावुकता से नंदिनी के सर पर हाथ फेरा। फिर नंदिनी अपने कमरे में चली गई और गीतिका का भी कॉल आ गया तो वो एकांत में आ गई थी। तब तक नीरज लौट आए थे। कुछ देर बाद गीतिका जब बात करके आई तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने अपने पति से कहा कि अब हमें नंदिनी को लेकर चलना चाहिए। तो नीरज की माँ ने कहा, इतनी जल्दी, कोई परेशानी है क्या बेटा। इलू के पापा ने भी कहा कि अचानक क्या हुआ गीतू। कुछ ठीक नहीं है बसंत जी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मेरी बहन के साथ धोखा हुआ है। गीतिका को बहुत ज़ोर से रोना आ गया। क्या हुआ बेटा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, नीरज के पापा बोले। तो उसने कहा कि क्या गलत हुआ है, ये तो आप अपनी बहू रूपा और अपने बेटे नीरज से पूछिए, जिन्होंने देवर भाभी के रिश्ते को अपवित्र कर दिया है। इन दोनों से पूछिए कि मेरी बहन की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, हमसे कौन सी दुश्मनी थी जो हमसे रिश्ता जोड़ा।
गीतिका की तेज आवाज़ से रूपा भी किचन से आ गई थी और नीरज के माँ पापा भी सकते में थे। उन्होंने भी आवेश में कहा कि आप ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही हैं, किसने कही ये गिरी हुई बात? कई लोग हैं जो हमसे जलते हैं, उन्होंने कहा और आपने मान लिया, ये गलत है। नीरज ने भी कहा कि आप तो नाम बताओ उसका जिसने ये बोला। रूपा भी चिढ़ कर बोली कि आपको कोई हक नहीं है कि मेरे बारे में ऐसी गंदी बात कहें। सबकी बातें सुनकर गीतिका से और चुप नहीं रहा गया। उसने अपने मोबाइल में रूपा की रिकॉर्डिंग ऑन करके नीरज के पिता और अपने पति बसंत को दिखाया। साथ ही बताया कि जब वो नंदिनी से गले लगी थी तब उसने कहा था कि गीतू दी, मुझसे अकेले में कॉल पर बात करो जल्दी, अभी बाहर मैं उसी से बात कर रही थी। रिश्ते का गंदा सच अब सबके सामने था। नीरज के माँ ने नीरज को बहुत गुस्सा किया और रोने लगी। उसके पापा ने भी गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। गीतिका ने कहा, मैं अपनी बहन को लेकर जा रही हूँ, काश आप अपने रुतबे के साथ साथ परिवार पर भी ध्यान देते। नंदिनी का तो सब सामान पैक ही था। वो रोती हुई आई, अपने सास ससुर जी के सामने हाथ जोड़ कर बोली कि मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, और नीरज और रूपा की ओर देख कर कहा कि मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। गीतिका ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर गाड़ी के पास ले आई। किस्मत ने सिर्फ एक ही दिन में नंदिनी की ज़िंदगी बदल दी। नंदिनी अपने माँ के घर के लिए निकल पड़ी, कभी न लौटने का फैसला करके। सबके जाने के बाद नीरज अपने माँ पापा के पास गया और बोला कि अब जब आप सब सच जान ही चुके हैं तो मैं बता दूँ कि मैं रूपा को ही चाहता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। इधर गीतिका नंदिनी के लिए बहुत परेशान थी। इतने लंबे सफ़र में उसने सिर्फ हीरू से ही थोड़ी बात की, वरना गुमसुम थी। उसने गीतिका से कहा कि माँ पापा को आप मत बताना, उन्हें मौका देखकर मैं ही सब बता दूँगी। जब वो लोग घर पहुँचे तो मम्मी और वंदिता इंतज़ार कर रहे थे। वंदु ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि इतनी जल्दी कैसे आ गए आप लोग, दी के ससुराल वालों ने खाने को नहीं पूछा? तो गीतू फीकी हंसी हंस दी और नंदिनी ने आंखें नीचे करके अपने आंसुओं को संभाल लिया। मम्मी ने उसका पानी उतारा, बंधु उसके गले लग गई। माँ की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने उसके चेहरे की उदासी का कारण पूछा तो गीतू ने कहा कि सफ़र की थकान है, आराम कर लेगी तो अच्छा लगेगा। नंदिनी अपने ससुराल से मम्मी के घर आ गई। मम्मी से उसकी उदासी छिप न सकी। कारण पूछने पर गीतू ने कहा, सफ़र के कारण थकावट हो गई है। मम्मी ने प्यार से सर पर हाथ फेरा तो नंदिनी रो पड़ी। उन्हें देख वंदु और गीतू की आंखें भी नम हो गई। तभी उसके पापा दुकान से आ गए और बोले, आ गई मेरी नंदू बिटिया, कैसी है मेरी बेटी? फिर अपनी पत्नी से बोले, अरे भाई कुछ खिलाया पिलाया भी या नहीं? पापा को सामने देख नंदिनी उनके गले लग गई। वंदु ईर्ष्या का नाटक करते बोली, हाँ हाँ यही दोनों तो बस आपकी बेटी हैं, मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। नंदू के चेहरे पर भी फीकी सी हंसी आ गई। गीतू ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगा कर बोला, चल मेरी ड्रामा क्वीन सबके लिए डिनर सर्व करें। डिनर के बाद नंदिनी के भैया और जीजा जी अपने घर चले गए। जाते जाते नंदिनी को बोले, हिम्मत रखना और समझदारी से काम लेना। तुमने कहा था तुम ही बात करोगी इसलिए हम चुप रहे, पर जल्दी से जल्दी बात करना। इधर वंदिता बार बार उससे पूछ रही थी कि वहाँ ससुराल में सब कैसे हैं, जीजू ने कुछ बात किया, हमेशा की तरह चुप ही रहे, सबका नेचर कैसा है? तो गीतू ने उसको प्यार से समझाया कि सुबह होगी तब भी बात कर सकते हैं, अभी नंदू को आराम करने दे। तब कहीं वंदिता देवी ने अपने सवालों पर ब्रेक लगाया। वंदिता इलू को अपने साथ सुलाने ले गई। मम्मी पापा भी सोने चले गए। गीतिका ने देखा नंदिनी बालकनी में बैठी है तो उसके पास आई और बोली, नंदू संभालो खुद को, और तुमने कहा था कि तुम खुद मम्मी पापा से बात करोगी, क्यों नहीं बताया उन्हें? कब बताओगी? बसंत का भी कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि हमें जल्दी से जल्दी मम्मी पापा को सब बता देना चाहिए। तभी दरवाजे पर आवाज़ हुई। दोनों ने पलट कर देखा तो उसकी माँ पुस्ता स्तब्ध सी खड़ी थी। दोनों बहनों ने उन्हें पास में पलंग पर बैठाया। वो समझ गई थी कि माँ सब सुन चुकी हैं। नंदिनी ने कहा, माँ आप ठीक तो हो? पुष्पा ने कहा,
तुम दोनों क्या छुपा रही हो? मैं नंदू की उदास आंखें देखकर समझ गई थी कि कोई तो ऐसी बात है जो तुम लोग बता नहीं रहे, क्योंकि जब हम लोगों ने तेरे ससुराल के हाल चाल पूछे तब बसंत और आंसू ने भी बात टाल दी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, बता ना क्या हुआ? नंदिनी माँ की गोद में सिर रख कर रो पड़ी। गीतू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मम्मी, हमारी नंदू के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नीरज के इतना बोल वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। मम्मी ने कहा, नीरज के क्या गीतू, आगे भी तो बोलो। गीतिका अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नीरज के अपने भाभी के साथ गलत संबंध है मम्मी। पुष्पा अविश्वास से उसे देखने लगी, फिर बोली, बेटा तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, किसने कहा तुझसे ये सब? मम्मी, मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को साथ देखा है, नंदिनी ने कहा, और जो भी देखा वो सारी बातें उसने बता दी। साथ ही यह भी कहा कि कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता, इसलिए कैसे उसने मौका मिलते ही रूपा की बातों का वीडियो बनाया। गीतिका ने मोबाइल में वीडियो दिखाया। क्या उनके घर में किसी को नहीं पता चला ये सब? पुष्पा ने पूछा तो नंदिनी ने नहीं में सिर हिला दिया। पुष्पा ने कहा, हमसे भूल हो गई बेटी, नीरज को परखने में हमें माफ़ कर दे, कहकर वो रोने लगी। नंदिनी ने कहा, माँ आपकी क्या गलती, आपने तो वही देखा जो दिखाया गया। उन दोनों के बीच इतने गंदे रिश्ते की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप खुद को दोष मत दो, मैं कल ही तेरे पापा से बात करती हूँ। पुष्पा ने अपनी गोदी में नंदिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उन सब के आंसू सूख गए थे रोते रोते, तीनों चुपचाप एक दूसरे का सहारा देती बैठी थी। माँ की गोद में प्यार पाकर नंदिनी को थोड़ी राहत मिली तो उसकी नींद लगने लगी। तब गीतू ने पुष्पा को कहा, आप चिंता मत करो माँ, आप सोने जाइए, मैं इसका बराबर ध्यान रखूँगी। बार बार गीतू के समझाने पर वो अपने कमरे में चली गई। नंदिनी को भी उसने बेड पर सुलवा दिया। पुष्पा की आंखों में अब नींद नहीं थी, चिंता थी बस अपनी बेटी के भविष्य की। किसी तरह आंखों आंखों में रात कटी। दूसरी तरफ वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही तनाव था। नीरज और रूपा के संबंधों को जानकर सब परेशान थे। नीरज के पिता कमलेश जी वाराणसी के बहुत संपन्न व्यापारी हैं। उनकी और उनकी पत्नी संगीता की नज़र में पैसे और शानो शौकत ही सब है। जीवन भर उन्होंने खूब पैसा कमाया और परिवार के साथ हर सुख सुविधा का भोग किया। नीरज का बड़ा भाई नवल, जो दिखने में सांवला, दोहरे शरीर का और अहंकारी स्वभाव का है, हमेशा काम में व्यस्त रहता है और पैसे, बिजनेस, दोस्तों और अपनी हाई प्रोफाइल जिंदगी को अधिक महत्व देता है। 2 साल पहले रूपा के साथ उसकी शादी हुई, पर दोनों में कभी प्रेम नहीं उपज सका। एक तरफ रूपा शुरू से ही अपने रूम के मद में थी, उसे अपनी जोड़ी नवल के साथ नहीं जमती थी। वहीं दूसरी तरफ नवल का पैसों का मद और अहंकारी स्वभाव, दोनों को एक दूसरे से शिकायत ही रहती। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता बस नाम का ही रह गया। रूपा के पिता का देहांत उसकी शादी से पहले ही हो चुका था और शादी के 5 माह बाद माँ भी चल बसी। उसके मायके में कोई अन्य रिश्तेदार भी नहीं था। नवल की शादी के समय नीरज पढ़ाई के लिए विदेश में था और इम्तिहान के कारण सिर्फ 2 दिन के लिए आ पाया था। लगभग 8 महीने बाद आया, तब जब छत पर रूपा को बाल सुखाते देखा तो देखता ही रह गया। उसे रूपा की जो फोटो देखी थी वो उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थी। वो उसे भाभी नहीं बल्कि नाम या ब्यूटीफुल लेडी कहकर बुलाता था। रूपा को धीरे धीरे नीरज का साथ भाने लगा। कहीं जाना होता तो वो नीरज के साथ ही जाती। नीरज भी जान नहीं पाया कि वो कब रूपा के मुँह पास में बदता चला गया। और एक बार जब संयोग बस दोनों घर में अकेले थे, उस रात बारिश की बूंदों के साथ रिश्ते की मर्यादा भी बह गई और गलत रिश्तों का एक सिलसिला बन गया। नीरज तो नंदिनी से शादी नहीं करना चाहता था, पर सबको ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। रूपा नहीं चाहती थी कि शादी हो, पर नीरज ने उसे अपने प्यार पर भरोसा दिलाया था तो वह मान गई थी। रूपा और नीरज को नहीं पता था कि उनका सच इतनी जल्दी और ऐसे सबके सामने आएगा, और वो भी सबूत के साथ। पर इतने के बाद भी उनका कोई पछतावा नहीं था, उनको लाज नहीं आई। नीरज ने अपने माता पिता से कह दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंदिनी के होने या नहीं होने से, मैं रूपा के साथ रहना चाहता हूँ। जब नवल को इस सच की जानकारी दी गई तो उसने बहुत नफरत से रूपा को देखा और चिढ़कर कहा,
कि तेरे कारण शायद अब नंदिनी लौट के नहीं आएगी, सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। और नीरज, तूने भी ये सब करने से पहले नहीं सोचा? पिताजी की ओर देखकर बोला, आप इन दोनों को घर से निकाल दीजिए, बहुत बहस हुई इस बारे में, पर नीरज और रूपा साथ रहने के लिए अड़े रहे। उधर नंदिनी के पापा के घर में सुबह नहाकर पूजा अर्चना के बाद नंदिनी के पापा रविकांत जी नाश्ता कर रहे थे। नटखट टीलू और चंचल वंदु सबके साथ मस्ती कर रही थी। आज साप्ताहिक अवकाश होने के कारण उन्हें कोई जल्दी नहीं थी और अपना दिन वो परिवार के साथ बिताते थे। नाश्ते के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो पुष्पा जी, क्या बात है, नंदू बिटिया कुछ ज़्यादा ही चुप है, मुझे लगा सफ़र की थकान है, पर उसने आज भी कुछ नहीं खाया, जबकि मैंने उसकी पसंदीदा साहू की जलेबी भी मंगवाई थी। बात क्या है, ससुराल में किसी ने कुछ कहा क्या? वैसे तो अपनी नंदू सयानी है, फिर भी उसे समझाएं कि थोड़ा समय लगता है आपसी समझ बनने में। और फिर रूपा बिटिया के रूप में उसे बड़ी बहन मिली है। जी, मुझे आपसे बहुत कुछ ज़रूरी बात करना है नीरज के बारे में। जब पुष्पा ने ऐसा कहा तो रविकांत जी ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। पुष्पा जी ने कहा, जी ये शादी नीरज की पसंद से नहीं हुई है, नीरज और रूपा। फिर उन्होंने नंदिनी से हुई सारी बातें और वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बताया, जिससे वो भी व्याकुल हो गए और गुस्से में बोले, ये आप क्या बोल रही हैं, अगर ऐसा है तो उन्होंने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? मैं अभी कमलेश भाई साहब से बात करता हूँ। नंदिनी के पिता रविकांत जी ने वाराणसी में कमलेश जी के घर फ़ोन लगाया। हेलो, नमस्ते भाई साहब, कमलेश जी बोले। नमस्ते जी, रविकांत जी थोड़े नाराज़गी भरे स्वर में कहें, क्या जो मुझे बताया जा रहा है वो सच है? और यदि हाँ तो आप लोगों ने मेरी बेटी की ज़िंदगी क्यों ख़राब की, मुझे क्यों छला? कमलेश जी ने कहा, हमें तो खुद नहीं पता था इन सब बातों का, पर अब जब हम जान चुके हैं तो सब ठीक हो जाएगा। रविकांत जी ने कहा, कैसे ठीक हो जाएगा, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कमलेश जी बोले, हम नीरज को समझा रहे हैं, आप नंदिनी बहू से कहना फिक्र न करें, हम सब हैं ना, और आप सब भी धीरज रखें, आखिर ये दोनों परिवारों की इज्जत का सवाल है, अगर बात बाहर गई तो बड़ी बदनामी होगी। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, रविकांत जी कड़े शब्दों में बोले, इज्जत की बातें आपके मुँह से शोभा नहीं देती हैं, जिसका बेटा अपने घर की बहू बेटियों पर गलत नज़र डाले वह इंसान क्या इज्जत की बात करेगा? और फिक्र आप मेरी बेटी की नहीं अपने बेटे की करिए, क्योंकि अब उसे अदालत के सवालों के जवाब देने होंगे, हमारे नहीं। मेरी बेटी का दिल टूटा है, वो कुछ खा ही नहीं रही है, ना ही बात कर रही है, जब से आई है बिल्कुल चुप है, इतना रोई है कि आंसू सूख गए हैं, पर वो अकेली नहीं है, मैं हूँ मेरी बेटी को संभालने के लिए। आप इस गलतफहमी में भी मत रहिएगा कि मैं अपनी बेटी को फिर उस दलदल में धकेलूँगा। अब मिलते हैं कोर्ट में, आपके बेटे ने एक बेटी के पिता को कमज़ोर समझने की भूल की है, उसकी कीमत तो उसके साथ साथ आपको भी चुकानी ही होगी। इतना बोलकर उन्होंने फ़ोन काट कर रख दिया। वो भारी कदमों से नंदिनी के कमरे की ओर चल पड़े और उनके पीछे पुष्पा जी भी। देखा तो नंदू गुम सब बैठी जमीन की ओर देख रही थी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरी गुड़िया, मैंने सब कुछ देखा परखा पर चरित्र नहीं समझ पाया। नंदिनी पापा के कंधे पर सिर रख कर रोने लगी, उनकी पलकें भी भीग गई। बोले, बस बेटा बस, अब तू नहीं रोएगी, तेरे पापा का वादा है, मैं सब सही करूँगा, मैं अब तुझे वहाँ नहीं भेजूँगा, तू आराम कर और खुद को तकलीफ मत दे, वरना तेरा पापा जी नहीं पाएगा। मेरी बेटी अबला और कमज़ोर नहीं है, उसका पापा अभी भी उसके साथ है। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए, मैं नहीं रोऊंगी, थोड़े समय दीजिए, मैं खुद को संभाल लूँगी, नंदिनी ने रोते हुए कहा। कुछ सोचते हुए रविकांत जी बोले, बेटा मैंने फैसला लिया है कि आपके जीजा जी, बड़े पापा, मामा जी और बुआ जी से इस बारे में चर्चा करूं और उनसे विचार विमर्श के बाद आगे ही क्या करना है यह निर्णय करूंगा। आप जैसा ठीक समझे पापा, मुझे पता है आप सब ठीक कर दोगे, नंदिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा। उसके सिर पर आश्वासन देते हुए हाथ रखकर रविकांत जी और पुष्पा कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने अपने सभी खास रिश्तेदारों को सारी बातें बताई और विचार विमर्श किया, साथ ही अपने एक वकील मित्र से भी राय मशवरा किया। और कुछ दिनों बाद नंदिनी के पिता ने नीरज को तलाक के कागज़ भिजवा दिए
और साथ ही धोखाधड़ी का केस भी चला। पूरे समाज में कमलेश जी के परिवार की थू थू हो रही थी। जो इज्जत उन्होंने इतने वर्षों में कमाई थी वह मिट्टी में मिल गई थी। सबूत के तौर पर वह वीडियो जो अवसर मिलते ही नंदिनी ने बना लिया था वह पेश किया गया। नीरज के परिवार वालों ने कई तरह से नंदिनी को वापस बुलाना चाहा, पर गीतिका और उसके मम्मी पापा ने नंदिनी का मनोबल नहीं गिरने दिया। सभी रिश्तेदारों और समाज की सहानुभूति नंदिनी के साथ थी। परिवार के साथ की वजह से उसने खुद को संभाल लिया। मन बहलाने के लिए अपनी सहेली के साथ उसके फैशन बुटीक में ड्रेस डिजाइनर के रूप में काम करना शुरू किया। अब वह पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अंततः नीरज से उसका तलाक हो गया, पर पुष्पा जी और रविकांत जी चाहते थे कि नंदिनी अपने जीवन में आगे बढ़े, पर उसने थोड़ा समय मांगा। लगभग 2 वर्षों बाद फिर से नंदिनी दुल्हन बनी। इस बार उसके माता पिता ने बहुत अच्छे से सभी से पूछकर और धीरज से शुभम को वर के रूप में चुना था, पर सबके साथ हमारी नंदिनी को भी सपने देखने से डर लग रहा था क्योंकि उसने ठोकर जो खाई थी। शादी हुई, फिर से रविकांत जी ने बेटी का कन्यादान किया और इस बार ईश्वर ने उसके जीवन में बहुत सारा प्यार, विश्वास और सम्मान लिखा था। आज नंदिनी की, शुभम की शादी की 21वीं वर्षगांठ है। नंदिनी की बेटी अब कॉलेज जाने लगी है और बेटा 10वीं में अव्वल नंबरों से पास हुआ है और नंदिनी अपने पति और बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। अगर नंदिनी ने समझौता किया होता तो उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर होती, लेकिन नंदिनी ने पहली ही रात सच को देखकर उससे आंखें नहीं मोड़ी और सच का सामना करने की ठानी, जिससे उसके ज़िंदगी में खुशहाली आ गई। आपको नंदिनी का फैसला कैसा लगा आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।